हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड टैब। सो आज हम बात करने वाले हैं जो बेबीज़ की हेयर ग्रोथ कम होती है, जिन बेबीज़ के बाय बर्थ ही हेयर कम आते हैं, उनके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या ऐसी हम टिप्स कर सकते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ में हम हेल्प कर सकें, इससे रिलेटेड क्या मिथ होते हैं और कब हमें वरी करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं रीजंस की। तो इसके बेसिकली दो रीजंस हो सकते हैं कि बेबी की हेयर ग्रोथ ना हो या बाय बर्थ ही उसके हेयर कम आए हों। पहला रीज़न तो ये होता है जेनेटिक, वो अपने पेरेंट्स पे गया हो, लाइक उसके मम्मी या उसके पापा में से किसी के बाल कम हो, हल्के हो, तो उस बेबी के बाल कम हो सकते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी का इतना डेवलपमेंट हो रहा होता है, हमारे शरीर में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बेबी की हेयर ग्रोथ हमारे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये बेसिकली दो रीज़न हो सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ हेयर ग्रोथ ना हुई हो। बट नो वरीज़, हम ये टिप्स करके अपने बेबी की ही हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो पहली टिप है मसाज। वैसे भी हम इनिशियल स्टेज में बेबी को मसाज देती हैं, पूरी बॉडी में मसाज देते हैं, तो हम उसके हेयर में भी मसाज देते हैं, हेड मसाज देते हैं। तो उसको हम हेड मसाज दो टाइम दे सकते हैं, देना चाहिए मैं बोलूँगी। पहले देना चाहिए उसे बिफोर बेड, सोने से पहले आप उसकी अच्छे से हेड मसाज कर दीजिए, तो वो रिलैक्स भी होगा, नींद भी अच्छे से आएगी और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प होगी। दूसरा है नहाने से पहले 10-15 मिनट आप हल्के गुनगुने ऑयल से आप उसकी मसाज कर दीजिए अच्छे से, तो बेबी को बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा है कि इसकी मसाज आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेस्ट है, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, मुझे विजिबल रिज़ल्ट दिखे थे कोकोनट ऑयल के। तो कोकोनट ऑयल पहले मैंने अपने बेबी को भी मस्टर्ड ऑयल से, फिगारो ऑयल से मसाज की थी इनिशियल स्टेज में, बट फिगारो तो उसे सूट ही नहीं किया था, लेकिन जब मैंने कोकोनट ऑयल में स्विच किया तो मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे 1 मंथ में ही। तो आप अपने बेबी को कोकोनट ऑयल से मसाज दे सकते हैं। अगर आपके बेबी को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप उसे ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल से मसाज दे सकते हैं। एक पैच टेस्ट कर लीजिए बेबी का और फिर आप उसका जो भी ऑयल उसे सूट करे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है कि आप बेबी के स्कैल्प की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करें, उन्हें उसे रोज शैम्पू से बाथ दें और अच्छे गुनगुने पानी से स्कैल्प को धोएं, जिससे दो चीज़ें में फ़र्क होगा, एक तो हाइजीन भी मेंटेन होगी और कोई जो बेबी इतना धूल में खेलते हैं, इतना उनके बालों में डस्ट हो जाती है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो कोई इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा है कॉमिंग। आप अपने बेबी को अच्छे से कोम करिए, लाइक 2 या 3 times आप बेबी को कोम करिए। कोम करने से ब्लड सर्कुलेट होता है, ये हमारे एडल्ट्स में भी बताते हैं कि कोम करने से हेयर में ग्रोथ अच्छी होती है, स्कैल्प में फ़र्क पड़ता है। तो आप बेबी को भी सेम कर सकते हैं, अच्छे से कोम करिए, बेबी को मसाज करके कोम करिए, तो बेबी को रूट में बहुत अच्छा ग्रोथ होगी और उसके स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेट होगा। चौथा है बैलेंस्ड डाइट। आप बेबी को बैलेंस डाइट दीजिए, सारे न्यूट्रिशन उसकी डाइट में ऐड करिए। मैं ये क्या बात करूँगी, आप अपने बेबी को मील में कैरेट ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि मैंने अपने पीडिया से जब पूछा था, डॉक्टर से पूछा था कि हेयर ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने बेबी की डाइट में कैरेट ज़रूर ऐड करिए। कैरेट में कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो आप किसी भी मील में आप कैरेट बेबी को दे सकते हो, तो आप अपने बेबी की डाइट में कैरेट ऐड करिए। ये 4 टिप्स हैं जिससे बेबी की हेयर ग्रोथ में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड मिथ की। तो हमारे ये माना जाता है कि बेबी का सॉरी
बेबी की अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको सेव करा दो, दो तीन बार शेव दे दो तो अच्छे से हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ अभी ऐसा कंफर्म नहीं कर पाई हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मैंने अपने बेबी के साथ क्या किया। मैंने अपने बेबी का शेव दो दो बार करा चुकी हूँ मैं। फर्स्ट मैंने उसको 6 मंथ में दिया था, क्योंकि उससे पहले तो बेबी का स्कैल्प बहुत सॉफ्ट होता है, तब देना भी नहीं चाहिए, और तब दिया था। और उसके बाद मैंने 11th मंथ के आसपास दिया था। तो मैं 2 बार शेव करा चुकी थी बेबी का, मतलब कराया था, तो मुझे लगा कि हाँ इसके रिज़ल्ट अच्छे हुए हैं। तो आप बेबी को शेव करा सकते हो, बट ध्यान रखो कि उसको ट्रिमर से कराओ, रेज़र से मत कराओ, और बहुत अर्ली स्टेज में मत कराओ। लुक, इसमें ऐसे भी लॉजिक है कि अगर हम भी अपने हाथ या पैर की कहीं वैक्स शुरू कर देते हैं, जब तक हम नहीं करते तब तक तो उसकी हेयर ग्रोथ सेम रहती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हेयर भी बहुत हार्ड आने लगते हैं और जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो वो सेम बेबीज़ के साथ भी होता है। तो आप ये करा सकते हो कि 2-3 बार शेव करा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 साल तक तो हम करा सकते हैं, और उस बस ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी, उसका फोटो सेशन करने में हम मम्मीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, और तो कुछ नहीं। और दूसरा इसका हमें दिया है कि हम बेबी को रोज़ शैम्पू ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ बेबी को शैम्पू करना चाहिए, जिससे कि हाइजीन मेंटेन हो और उसकी स्कैल्प अच्छे से साफ रहे। अब बात करते हैं वरीज़ की, कब हम मॉमीज़ को वरी करनी चाहिए कि हमारे बेबीज़ में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इनिशियल 3 ईयर्स में हम लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टिप्स करें तो हमारे बेबी के हेयर में ग्रोथ होगी, और कुछ बच्चों की हेयर ग्रोथ थोड़ी डिले होती है, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रियल एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी बेबी को इन सारी टिप्स और इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ा ही था। और तो अगर आपके पास भी कोई टिप्स हो जिससे बेबी की हेयर ग्रोथ हो सकती है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे न्यू अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय।